हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें बिंदास सूर्य ब्लॉग। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम निकल पड़े हैं ब्लॉग शुरू करने के लिए। तो और धूप भी बहुत कड़ाके की निकली है फिलहाल। अभी तो सूरज भगवान बादलों के पीछे छिप गए हैं लेकिन ज़बरदस्त धूप निकलने वाली है आज। तो आज हम पब्लिक प्लेस में ब्लॉग शूट करने वाले हैं, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। और मेरे सामने हाईवे है, थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पीछे हाईवे है, चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है आज का। फ्रेंड अभी हम आ गए हैं अपने बस स्टॉप में और यहाँ हमें वेट करना पड़ेगा अपने बस का। तो चलिए वेट करते हैं और तब तक आप एंजॉय कीजिए ये टाइम लैप्स। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मार्केट में और बात ये है कि भाई साहब भूख बहुत तगड़े वाली लगी है। चलते हैं किसी होटल में, पहले कुछ नाश्ता पानी करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साउथ में आके नारियल पानी पीने का मजा ही कुछ दूसरा रहता है। कभी आप आना तो जरूर ट्राई करना। एक बात आपने भी नोटिस की होगी, यहाँ साउथ इंडिया के जो टेंपल होते हैं ना, उनमें कलाकृति बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही सुंदर मंदिर होते हैं यहाँ के। तो दोस्तों सुबह सुबह माता रानी के दर्शन हो गए, अब इसके अलावा क्या चाहिए। तो फ्रेंड अभी मैं कावेरी नदी के पास आ गया हूँ और मुझके अभी ब्रिज में हूँ, देख सकते हैं आप। अभी तो बारिश का टाइम है इसलिए नदी अपने उफान पे है, वरना बहुत कम पानी ही इसमें रहता है बाद में। अभी तो बारिश में, अभी तो देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा उफान में है नदी। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हम एक पहाड़ में घूमने गए थे। वो पहाड़ अगर आप नीचे से देखें तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, वो ऊपर जो पहाड़ है ना, हम वहीं ऊपर घूमने गए थे। सो अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लीज़ मैं आई बटन में लगा दूंगा, प्लीज़ जाके देखें और इन्जॉय करें। दोस्तों हम अभी वही जगह आ गए हैं जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था। जब कोई फर्स्ट टाइम YouTube में आता है वीडियो बनाने के लिए तो मुझे लगता है सबके साथ थोड़ा ऐसे ही प्रॉब्लम आती है बोलने में और कैमरा फेस करने में। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग इग्नोर करें, बहुत जल्द आपका भाई इन सभी गलतियों को सुधार लेगा और आपको बेहतर से बेहतर ब्लॉग देगा। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने छोटे भाई को प्यार दें। और मैं ज़्यादा लंबे ब्लॉग इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा
बोलने के एक्सपीरियंस कम है, इसलिए आपको भी बोरिंग फील ना हो, इसलिए मैं अभी छोटे छोटे ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।